हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्लस टू क्लास का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्विटोरियल लाइन। ठीक है बच्चे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्विटोरियल लाइन। जैसे कि डाइपोल बच्चे हमारे पास क्या होता है, डाइपोल इज ए टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, और उस डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। और उसकी स्ट्रेंथ हम लोग कैसे मेजर करेंगे, वी आर ए फॉर्मूला क्यू इंटू टू ए टू एल इज रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करें तो आप लोगों के पास ये फॉर्मूला है। तो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इन दिस डायग्राम, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो हमारे पास यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, इज इट ओके। नाउ इस केस में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स इक्विटोरियल लाइन। तो इक्विटोरियल लाइन क्या होती है बच्चे, देखो सपोज कर लो दिस इज अ डाइपोल, ये इसका एक एक्सेस होगा, इस एक्सेस के अराउंड जो भी हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। एंड इस इक्विटोरियल लाइन के ऊपर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट पॉइंट पी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक क्या है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके जो भी इक्विटोरियल लाइन है, जो भी एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, उसके एक पॉइंट पी के ऊपर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस होल डाइपोल, इज इट ओके। नाउ सपोज करो वट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम दिस डाइपोल फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से इसका डिस्टेंस हम लोग सपोज कर लेते हैं कि दिस डिस्टेंस इज आर। ठीक है, तो ये मैंने डिस्टेंस सपोज कर लिया फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल पी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर डिस्टेंस है। नाउ वी कैन सपोज दिस इज अ पॉइंट ए और दिस इज अ पॉइंट बी। तो वट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए पी एंड बी पी, आप लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आप लोग कैसे करोगे, ओ ए पी। तो इफ दिस टोटल डिस्टेंस इज एल, व्हाट इज ओ ए, ओ ए आपके पास क्या आएगा, एल आएगा, इज इट ओके। तो दिस इज ए बेस, दिस इज ए हाइप, दिस इज ए बेस, दिस इज ए परपेंडिकुलर, दिस इज ए बेस। आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ पाइथागोरस थ्योरम का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इज इट ओके। सिमिलरली आपके पास बी पी भी सेम डिस्टेंस आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास दोनों डिस्टेंस आ गए। नाउ फॉर डाइपोल दीज टू डिस्टेंस, दीज टू चार्जेस आर इक्वल, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है बेटा जी, द जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। नाउ यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस है, एक चार्ज है प्लस क्यू, उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, के क्यू। अब यहाँ पर आर स्क्वायर क्या है, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो ये भी क्या आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ ऑफ द चार्जेस। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ ऑफ द चार्जेस दे आर सेम, सो यू कैन राइट E प्लस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। बट एज वी नो, जैसे कि आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इसकी डायरेक्शन कैसी है, हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, दैट इज रेडियली आउटवर्ड। तो ये आपके पास आ गई ई प्लस क्यू, ठीक है। और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होते हैं, दैट इज रेडियली इनवर्ड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इज इट ओके। यस बच्चे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज दैट इज रेडियली आउटवर्ड, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज दैट इज रेडियली इनवर्ड। तो दीज टू आर द वेक्टर क्वांटिटीज। तो इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का अगर आप लोगों ने रिजल्टेंट फाइंड करना है तो आप लोग कैसे करोगे, यू हैव टू ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन अलोंग इट। आप लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो पहले, ठीक है। तो इसके बाद नाउ सी, इफ सपोज करो दिस एंगल इज थीटा, आप सपोज करो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों सेम है, तो ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा, इज इट ओके। नाउ
सी इफ दिस इज थीटा, व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज अल्टरनेट एंगल, ये जेड बन रहा है तो ये भी एंगल क्या आएगा थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा थीटा, बिकॉज दीज टू आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, दीज टू आर एंगल आर अल्टरनेट एंगल, इज इट ओके। अब हम इस ई प्लस क्यू को और ई माइनस क्यू को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में। दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता है, जो थीटा के अलोंग होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग किस एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ई प्लस कॉस थीटा, इज इट ओके। हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, थीटा, कॉस थीटा। और इस ई पॉजिटिव का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और उस वर्टिकल कंपोनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई प्लस क्यू साइन थीटा, इज इट ओके। तो ये आपके पास आ गए, इस दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसके दो कंपोनेंट आ गए, वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वन इज वर्टिकल कंपोनेंट। नाउ ई नेगेटिव का भी थीटा यही है, तो इसका भी आपके पास कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में आएगा, क्या आएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो इस तरफ आएगा, तो ये क्या जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, इज इट ओके। नाउ सी द वर्टिकल कंपोनेंट बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो द इफेक्ट ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स आर कैंसल आउट, सो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू चार्जेस एट पी पॉइंट, तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और प्लस दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इसलिए प्लस होगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, इज इट ओके। तो ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। वी नो ई प्लस और ई माइनस दे बोथ आर इक्वल, तो ये आपके पास सिंपली क्या हो जाएंगे, टू ई क्यू कॉस थीटा, इज इट ओके। तो प्लस लगा लो चाहिए इसको। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से ओ ए पी से फाइंड कर लो, चाहे ओ बी पी से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। आपके पास कॉस थीटा क्या होता है बच्चे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपरन्यूज, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से वैल्यू फाइंड करो, टू ई की वैल्यू क्या है बच्चे आपके पास, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इज इट ओके। तो बेस आपके पास क्या है बेटा, एल इंटू एल और डिवाइडेड, और हाइपरन्यूज क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है बेटा, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। नाउ वी आई ऑलरेडी रिटन हेयर क्यू पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, देखो बच्चे आपके पास यहाँ पर क्यू इंटू टू एल आ रहा है, तो आपके पास ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, आपके पास ई आ जाएगा के पी वेक्टर डिवाइडेड बाई, देखो ये बेस सेम है और इसकी पावर सपोज कर लो 1 है, अगर किसी भी दो क्वांटिटी के बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड, तो आपके पास क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। सो दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इट्स इक्विटोरियल लाइन। नाउ सी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस ई, हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया बट कई बुक्स में यहाँ पर नेगेटिव साइन लिखा होता है। अब देखो पी इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव बट रिजल्टेंट आपके पास क्या आती है, ओपोजिट। सो सम बुक्स दे हैव पुट हियर नेगेटिव साइन, व्हाई दे आर गोइंग टू पुट द नेगेटिव साइन, दे जस्ट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, दैट इज ऑपोजिट टू द डाइपोल मूवमेंट। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड कि आपके पास डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है डाइपोल मूवमेंट से ऑपोजिट आ रही है, सो दैट्स व्हाई वी हैव राइटन हियर नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ ई इज ऑपोजिट टू पी, इज इट ओके। तो इस दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है, इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव साइन लिया। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल ऑन इट्स इक्विटोरियल लाइन, तो आपके पास क्या होगा, एल इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू आर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर इज वेरी मच ग्रेटर देन एल, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एल इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो, दिस इज फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो फिर आपके पास ये रिलेशन क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू के पी, ये जीरो हो गया,
तो आपके पास r की पावर 2 इंटू 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, के पी बाई आर क्यूब. सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर शॉर्ट डाइपोल. इज इट ओके? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.